शासन प्रशासन की लापरवाही से बरसात के दिनों में लेदी पाराडोल मार्ग पर हसदो नदी में जल स्तर बढ़ने से इसमें बने पुराने रपटा पुल के डूब जाने से लोगों को जान मुसीबत में डालकर नदी में आवागमन करना पड़ रहा है, जो कभी कभी जानलेवा बनते जा रहा है। बताया जाता है कि इस पुल पर आश्रित ग्राम व पंचायतों के ग्रामीणों को इस संकट से बचाने के लिए 3 वर्ष पहले भाजपा शासन काल में पुल निर्माण का कार्य आरंभ किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभागों की लापरवाही से अधूरा बना पुल अब लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। यह हसदो नदी का यह रपटा 15 से 45 ग्राम पंचायतों के आवागमन का जहां मुख्य साधन है, वही कोरिया से बिलासपुर को जोड़े रखने वाला भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पहाड़ी नदी होने के कारण हसदेव नदी का जल स्तर हमेशा बढ़ा रहता है और लोग जल्दी घर जाने के लालच में मुसीबतों को स्वयं बुलाकर जान को खतरे में डालते हैं। शासन प्रशासन की लापरवाही से काम होने के चलते अधूरा पुल अब लोगों के जान मुसीबत में डाल रहा है। क्या हुआ बताइए, यहाँ पे पुल को बैठे हैं? अपने परिवार लेके आए हैं, पाराडोल जा रहे थे पूरा, पुलियम पानी होने के कारण नहीं जा पाए, आधे घंटे से बैठे, पुल भी नहीं बन पाया। किसमें से जा रहे थे? बाइक से जा रहा है। भाई से रपटा से 15 से 20 ग्राम पंचायतें आश्रित हैं और 45 के लगभग ग्राम पंचायतों का आवागमन का साधन है, क्योंकि ये पुल बिलासपुर को भी छूता है, बिलासपुर के रोड को, और इस कारण से मनंदरगढ़ के और इस आसपास के लोग इसी रपटा के माध्यम से बिलासपुर या अन्य जगहों पर जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी भी हैं और शिक्षक भी हैं और व्यापारी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल 17-18 में इस पुल का विभाजन हुआ था, क्योंकि अभी तक ये पुल कछुए की चाल पर चल रही है और इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह इसकी गुणवत्ता पर भी हो सकती है। साथ ही इस आज के वर्तमान शासन प्रशासन और सेतु निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण आज भी ये धीरे धीरे इसका निर्माण कराया जाए।